हेलो फ्रेंड्स, आप सबका सिंपल गार्डन पर स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से फूलों से। आप सबको आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो का जो विषय रहेगा वो रहेगा हमारी जो कटिंग मैंने मॉनसून में लगाई थी, कुछ हो गई हैं, कुछ ख़राब हो गई हैं, तो उन सब का हम वीडियो बनाएंगे आज। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी। आप सब ने जिन जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल को देखते हो, आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो सच्चे पातशाह जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो जो रुत है चेंज हो रही है, हमारे सब जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उसमें बहार फिर से लौटने लगी है और ये सब फूल खिलने लगे हैं जो बहुत ठंडी से ख़राब हुए पड़े थे। बहुत ठंड लगती थी उनको, अब तो ये चलने लगे हैं, बहुत सारे फूल निकलने लगे हैं, बर्ड्स निकलने लगे हैं ढेर सारी। तो आज मैं अपनी कोई ख़ास विषय नहीं है आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी कटिंग्स दिखाऊंगी जो ठंडी में कुछ तो ख़त्म हो गई और कुछ अभी भी बाकी हैं, जिनकी रिपोर्टिंग करूंगी मैं शायद मार्च के पहले हफ्ते या फिर उससे बाद मैं जो मॉनसून है उसमें करूंगी। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपनी ये कनेर की कटिंग दिखाऊंगी। ये मैंने पिछली वाली जो बीत गई है ना मॉनसून, पिछले साल मॉनसून में नीचे लगाई थी मैंने ढेर सारी कनेर की जो कटिंगें लगाई थी। ये देखो, इसका मेरे को नहीं पता है, येलो कनेर मेरे पास है, मैंने एक वाइट, पीच और रेड कलर की जो कटिंग लगाई थी, मेरे को नहीं पता है, जब इसको फूल आएंगे तब पता चलेगा ये कौन सा कलर है। ये मेरी कनेर की कटिंग है, ये देखो इसने इस वाली जो सर्दी है झेल ली है, उम्मीद है ये कामयाब हो जाएगी। और दूसरी ये भी मेरी कनेर की कटिंग है, ये छोटे से इसमें लगी हुई है दही वाले कप में, तो इसको मैं एक तरफ रखती जाती हूँ जो मैंने दिखा दी है। ये भी मेरी कनेर की है, ये भी कनेर की है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास सब कुछ है, हम पौधे खरीद भी सकते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने प्रोपोगेट किए गए प्लांट में होता है वो किसी और में नहीं होता। ये देखिए, ये मेरी एक और बड़ी सारी है, ढेर सारी बड़ी, ये देखिए ये भी कनेर की है, इसके भी कलर का नहीं मेरे को पता, इसको इस तरफ रख देती हूँ मैं। तो ये जो है ये बाहर रह गई थी, ये इसमें एक कनेर की है, ये देखिए कनेर की है, और ये मेरी वेरीगेटेड वाली चांदनी है, मेरे को लग रहा है इसको ज़्यादा ठंडी लग गई, इसके पूरे पत्ते झड़ गए, ये एक एक दो दो रह गए, तो उम्मीद है भी चल पड़ेगी, देखते हैं। अभी मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी, मार्च में करूँगी तो ज़्यादा, फिर ये मेरे को टाइम समय मिला तो करूँगी, नहीं तो मैं मॉनसून में ही इनको रिपोर्ट करूँगी लगभग लगभग एक साल बाद। पिछली मॉनसून की जो लगाई है कटिंग सब, और मैं आने वाली जो मॉनसून होगी ना जुलाई में तब इसको रिपोर्ट करूँगी, ठीक है जी। ये भी मेरी कनेर की है कटिंग, और ये मेरा है खूबसूरत सा प्लांट, ये देखे ये है मेरा रबड़ प्लांट, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, मैं भी सीख रही हूँ, मेरे को नहीं पता था इतनी बड़ी कटिंग नहीं लगाते, तो मैंने ऐसे ही लगा दी, ये लग गई, इसने भी सर्दी झेल ली है। सर्दी में वैसे मैंने सारे प्लांट छाया में रख रखे थे, छत के नीचे, थोड़ी बहुत धूप जब निकलती थी तो इनको लगती थी, बरामदे में रखे हुए थे, मेरा ऊपर है एक वहाँ पे। ये मेरा कटिंग है रबड़ प्लांट की, तो ये मेरी है, इसमें दो कटिंग लगी है, ये जो ये है ना ये छोटे वाले, ये मेरी है ऑर्नामेंटल पत्थर चट्टा, है तो पत्थर चट्टा ही, ये ऑर्नामेंटल है का हल्का सा येलो कलर हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने को, बहुत ज़्यादा फैलता है। इसमें देखो इसके ढेर सारे बेबी प्लांट भी हो रखे हैं, ये देखे
और इसमें ये है जो मल्टी पेटल चांदनी होती है ना वो है, इसके भी सारे पत्ते झड़ के देखते हैं। वैसे तो ठीक ठाक है ये, इसके सर्दी से सारे पत्ते हैं जो लीव्स हैं वो झड़ गए हैं, देखते हैं चलेगा कि नहीं। तो और मेरी एक और है कटिंग, ये मेरे हेज लगी हुई है बाहर क्यारी में, ये है ड्रेसिना की एक वैरायटी है, इसका मेरे को नाम भूल गया, पता नहीं कौन सी इसको बोलते हैं, बेबी डॉल ड्रेसिना, ये है बेबी डॉल ड्रेसिना की कटिंग। ये मैंने चारों दिखा दी आपको, ये मैंने हाल ही में लगाई थी, अभी जो मेरे क्रिसेंथेमम खिल रहे हैं ना, मैंने कहा शायद कोई ख़राब ना हो जाए, उसमें से मैंने ये छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, ये लगता है लग गई है, चलो देखते हैं, ये भी लगी है। और ये मेरा है अम्ब्रेला पाम, इसकी मैंने पानी में कटिंग लगाई थी, इसको उल्टा करके लगाते हैं, इसकी ये जड़ें निकल आई है, इसको मैं हाल ही में रिपोर्ट करूँगी, अभी करूँगी शायद एक दो हफ्ते में, इसकी कटिंग हम कभी भी ग्रो कर सकते हैं, इसको एक तरफ देते हैं। ये मेरे पास है, ये भी मैंने मानसून में लगाई थी, ये देखे, इसका मेरे को नाम नहीं पता है, ये टिप की कटिंग थी, इन्होंने भी सर्दी झेल ली है, ये भी लगता लग जाएगी, ये देखे ये भी लग गया और ये भी लग गया, इसका मेरे को नाम नहीं पता है। और ये मैंने चार कटिंग लगाई थी एल्युमिनियम प्लांट की, ये देखे एल्युमिनियम प्लांट है, इसने भी सर्दी झेल ली है, अंदर से कुछ ही दिनों में जब से धूप निकली है इनको मैं बाहर निकाल रही हूँ, लगता है ये दोनों भी लगी, इसकी न्यू ग्रोथ भी चालू हो गई है, इसको मैं एक पॉट में लगाऊंगी, अभी थोड़ी देर में इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। ये इसके जैसा ही ये भी है एक, इसको थोड़ी ठंडी लग गई और बाकी का सब ठीक है, इसका भी नाम नहीं मेरे को पता है, ये तीनों लगाए थे मैंने, टिप की कटिंग किसी पार्क से लिए थे, इसको वाइट फ्लावर आते हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका, मेरे को नाम नहीं पता है। और ये मेरा पिंक वाला रोज़ होता ना, ये अंग्रेजी रोज़ होता है, इसको पिंक वाले कलर के फ्लावर आते हैं, ये भी टिप की कटिंग थी, ये भी मेरे को लगता है मेरी लग गई है। और ये भी पता नहीं कौन सा प्लांट है, इसका मेरे को नाम नहीं पता, पता नहीं छह पत्ती है, पता नहीं इसके जैसे ही है, ये मैंने इसी में लगा रहने नहीं था, इसको मैंने उखाड़ा नहीं है, चलो बड़ा हो जाएगा कहीं पे लगा लेंगे। ये मेरी चांदनी की कटिंग है, जो डबल पेटल होती है चांदनी उसकी कटिंग है। ये देखिए, और मेरे पास ये है, ये भी मेरी कटिंग है, पता नहीं कौन सा है, ये कैक्टस है, पता नहीं क्या, इसमें ये देसी पेटोनियों के जो पौधे हैं वो निकल आए हैं, इसको भी रिपोर्ट करूँगी। और ये जो है मेरी ख़राब हो गई है, ये चंपा की कटिंग थी, लगता है ये गल चुकी है, ये काली हो चुकी है, इसने इस वाली जो विंटर है सर्दी नहीं सहारी, ये सहन नहीं कर सकी, ये ख़राब हो गई है, ये मैंने अलग से रख दी, ये भी है, ये भी लगता है चलेंगी कि नहीं चलेगी, ये येलो वाली चंपा थी और ये रेड वाली थी और ये नाग चंपा थी, ये देखिए ये नाग चंपा थी, इसके भी सारे लीव्स जो झड़ गए हैं, देखते हैं चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ये मेरा, ये अमरूद का प्लांट है, मैंने ऐसे खाते खाते ना इसमें एक सीड है जो जानबूझकर मैंने इसमें दबा दिया, देखते हैं इसका प्लांट बनेगा नहीं, इस सीड से वो हुआ ये अमरूद का प्लांट है, इसमें ये अपने आप से लगा हुआ है, वो क्या बोलते हैं मदर ऑफ हंड्रेड्स। फ्रेंड्स आज मैं इतनी सी कटिंग दिखाऊंगी, कटिंग तो और भी है मेरे पास, और उसकी ओलियस की है और कई है, और एक मेरे को वो क्या कहते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया की है, अब थोड़ी दिन इसको धूप लगवाएंगे थोड़ी थोड़ी करके, अब इनको मैंने छाया से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है, बाहर फिर से लौटने लगी है, वाहेगुरु जी का बहुत बहुत शुक्र है,
उसने ये मौसम अच्छा कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करती हूँ मेरी सारी कटिंग आपको पसंद आई होगी। ये पौधा ना, ये जो एल्युमिनियम प्लांट है, मेरे को नर्सरी से नहीं मिला था, तो मैंने किसी फ्रेंड के जहाँ से, उनके जहाँ लगा था, उन्होंने बोला था कि हम राजस्थान से लेके आए थे, उनसे मैंने 3-4 कटिंग ली थी, 2 तो मेरी सूख गई और एक ये लग गई। हमारे यहाँ मेरी जो घर के पास नर्सरी है ना, उसमें नहीं था ये, मेरे को बहुत पसंद है, इसको फूल भी नहीं निकलते, इसके लीव्स की खूबसूरती होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।